नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को आने वाली शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दूसरी बात जो सबसे अहम प्रश्न होता है शारदीय नवरात्रि के विषय में, वो ये होता है कि पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन नवरात्रि शुरू हो जाती है, तो क्या पितृपक्ष में हम नवरात्रि की अर्थात पूजा की सभी तैयारियां कर सकते हैं या नहीं, सामग्री इत्यादि हम खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा अहम होता है, तो ये भी आप लोग जानेंगे। साथ में पहली बार जो भी भाई बहन कलश स्थापना या फिर 9 दिन का व्रत या फिर अखंड ज्योत जलाना मतलब शुरू करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो वो कर सकते हैं या नहीं, तो आइए सब जानकारी ले लेते हैं। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है, सारी बातों को जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2024 प्रारंभ हो जा रही है 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को और यह समाप्त होगी 12 अक्टूबर को। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर और यह समाप्त होगी 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 पर। तो संपूर्ण प्रतिपदा तिथि हमें 3 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेती हूँ कलश स्थापना। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो दोपहर 11:46 से 12:33 तक। तो जो भाई बहन सुबह की इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं वो लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करूंगी कि पहली बार जो भी भाई बहन चाहते हैं व्रत उठाना या फिर कलश की स्थापना करना या फिर केवल अखंड ज्योत जलाना, तो वो सारे कार्य इस बार आप लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मलमास खरमास ये सारी चीजें नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल विधि विधान से अपने व्रत को शुरू करें, अखंड ज्योत जलाएं, कलश की स्थापना करें। अब बात करती हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि नवरात्रि पितृपक्ष जब हमारा समाप्त होता है, अमावस्या जो पड़ती है सर्वपित्र अमावस्या, उसके अगले दिन ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है और 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हैं। पितृपक्ष में पूजा की सामग्री खरीदने में कहीं से कोई दोष नहीं है, केवल आपको अपने स्वयं के लिए नई सामग्री, नया वस्त्र, नया श्रृंगार नहीं लेना है, लेकिन आप पूजा पाठ से निमित्त जितनी भी सामग्री है आप सब कुछ खरीद सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अमावस्या तिथि पर हमें पूजा से संबंधित सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। यदि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो हमें अमावस्या पर नहीं खरीदनी चाहिए, उससे पहले ही आप लोग पूजा से संबंधित मतलब नवरात्रि से संबंधित सारी सामग्री खरीद लें और एक दिन पहले अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें, मंदिर का जो वस्त्र है उसे बदल दें, नया वस्त्र आप चाहे वहां पर बिछाना तो नया वस्त्र बिछा दें, माता रानी को जो भी आपने चुंदरी इत्यादि आपने पहले से ओढ़ाई है लगाई है उसे आप बदल दें, या फिर आप नया लाना चाहते हैं तो नया लाएं, नई मूर्ति नया चित्र आप लाना चाहते हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। और पूजा से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी तैयारियां हमारी होती हैं, जैसे कि धूप है, कपूर है, तेल है, बाती है, अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक है, ज्वारे बोने के लिए पात्र है, कलश है, तो मतलब जितनी भी सामग्री है, भोग प्रसाद की जो सामग्री, सूखे मेवे इत्यादि, लौंग, इलायची, ये सारी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। आसन इत्यादि यदि आप नया लेना चाहते हैं तो आप नया ले सकते हैं, नहीं तो आसन जितना ही पुराना हो जाए, दीपक जो हम प्रतिदिन जलाते हैं वो जितना ही पुराना हो जाए उसमें उतना ही ज्यादा भगवान की जैसे कृपा बस जाती है, उनका प्रभाव आ जाता है, तो हमेशा बार बार हमें आसन और दीपक इत्यादि नहीं बदलना चाहिए। हाँ, आप अखंड ज्योत के लिए मिट्टी का दिया लेना चाहते हैं तो ये आपको नया लेना चाहिए, कलश आप मिट्टी का रखना चाहते हैं तो ये भी आपको नया लेना चाहिए, यदि आप धातु का रखना चाहते हैं तो आपके पास जो कलश है, जो पूजा का मतलब पात्र है, लोटा है, बर्तन है, उसी को आप प्रयोग में लाएं। मिट्टी के जितने भी पात्र आप प्रयोग में लाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको नई लेनी चाहिए, बाकी चीजें आप जो पूजा में प्रयोग में लाते हैं उसे आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं।
अब बात करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन दुर्गा सप्तशती का पाठ पहली बार शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि है तो नवरात्रि हमारी 10 दिन की होने वाली है। महाअष्टमी को हम कन्या पूजन करते हैं, कहीं कहीं हम महानवमी को भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जो हवन का कार्य है वो हमारा नवमी तिथि पर ही किया जाता है। तो महानवमी का पर्व 12 अक्टूबर को होगा, महाअष्टमी 11 अक्टूबर को और महासप्तमी 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन मान लीजिए कि 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं, ये सवाल बहुत ही ज्यादा भाई बहनों के मन में होता है कि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कलश की स्थापना करें, अखंड जोत जलाएं, ज्वारे बोएं, पाठ करें, हमारी ये इच्छा है लेकिन हम 9 दिन का व्रत रखने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल सारे कार्य कर सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत रखें तभी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप कलश, अखंड जोत, ज्वारे बो सकते हैं, दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं और आपको नियम केवल क्या करना है कि आपको इतने दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करना है और आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल शुद्धता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको माता जी का पाठ करना है और सारे कार्य उसी प्रकार से सुबह और संध्या दोनों ही समय आपको माता जी का पूजन करना है। संध्या के समय स्नान आदि करके आपको फिर से भोग प्रसाद अर्पित करके माता जी की आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है। पाठ आप चाहे सुबह कर सकते हैं या फिर समय नहीं है तो शाम को भी आप लोग कर सकते हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा होता है सभी के मन में कि व्रत नहीं है तो कैसे हम ये सारे कार्य करें। आप बिल्कुल उसी विधि से, उसी नियम से आप सारे कार्य करें, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें और माता रानी का ध्यान करके सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करें। अपने घर में आरती, भोग प्रसाद, अग्यारी, हवन इत्यादि आप प्रतिदिन करते रहें। तो इस तरह से बिना व्रत किए भी आप लोग अपने सारे इन कार्यों को करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो शारदीय नवरात्रि के विषय में ये मुख्य जानकारियां थी। आगे बहुत सारी वीडियो आती रहेगी, बहुत सारी जानकारी सरल पूजा विधि के विषय में और कलश स्थापना के विषय में, अखंड जोत जलाने का क्या नियम होना चाहिए, उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आती रहेगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, उसके विषय में भी मैं जानकारी दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।